हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है इंसेक्ट एंड डिजीज कंट्रोल मेथड ऑफ शुगर केन, यानी कि जो गन्ना की खेती है, गन्ना के खेत में जो हानिकारक रोग और कीट लगते हैं उसका रोकथाम हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं डिजीज कंट्रोल मेथड से, यानी कि गन्ने में जो डिजीज लगता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो डिजीज है, जो बहुत ही हानिकारक डिजीज जिसको माना जाता है, रेड रॉट शुगर केन। ये जो शुगर केन में सबसे हानिकारक रोग इसी को माना जाता है, इसको लाल सड़न रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो अक्सर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि लाल सड़न रोग का संबंध किससे है। तो लाल सड़न रोग का संबंध किससे है, गन्ना से है। तो आप जानिएगा जो रेड रॉट शुगर केन है वो किसके द्वारा होता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए। तो ये होता है आपका फंगस के चलते, और फंगस का नाम है कोलेक्टोट्राइकम फॉल्केटम। ये जो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, फंगस जो है उसका उसका नाम है कोलेक्टोट्राइकम फॉल्केटम। आगे बढ़िएगा, ये क्या सिम्टम प्रोड्यूस करता है लाल सड़न रोग। तो लाल सड़न जो रोग होता है, ये गन्ने में नाम में ही इसका आंसर छुपा है कि ये लाल रंग का सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। ये ज्यादातर तने और पत्ती में इसका सिम्टम आपको दिखाई देगा। पत्ती में इसका सिम्टम क्या होगा, जो गन्ने का जो पत्ती रहता है उसके ऊपर लाल लाल रंग की धारियां पड़ना चालू हो जाएगी, जिससे पूरा पत्ती क्या होता है, जला जला दिखाई देगा। और अगर आप गन्ने का तना को कभी चूसे होंगे, खाए होंगे, तो आप देखे होंगे इसमें लाल लाल रंग का कभी कभी गन्ना का अंदर का मटेरियल निकलता है। तो ये लाल रंग निकलने का मतलब यही होता है कि इसमें लाल सड़न रोग लगा है। अगर ज्यादा रेड हो जाएगा तो ये धीरे धीरे लाल होकर ब्राउन हो जाएगा, जिसमें इसे जूस की मात्रा एकदम क्या हो जाती है, नील हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो गन्ने में सुक्रोज या जूस की मात्रा जो पाई जाती है उसको एक खत्म समाप्त कर देता है, इसीलिए इसको लाल सड़न रोग के नाम से जानते हैं। लाल रंग का सिम्टम प्रोड्यूस करता है, जो गन्ने का सबसे हानिकारक बीमारी माना जाता है। इसके लिए या तो आप रेजिस्टेंस वैरायटी का उपयोग करिए, रेजिस्टेंस वैरायटी जैसे CO 1148, उसके अलावा 1169, CO का फुल फॉर्म आपको मैं कल बता ही चुका हूं, कोयम्बटूर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर आप कुछ दवाई डालना चाहते हैं कंट्रोल में, तो आप एरिटोन से ट्रीटमेंट करिए, या डाइथेन जेड 78 इस दवा का आप स्प्रे करिए। इस दवा का स्प्रे करने से कुछ हद तक रेड रॉट शुगर केन से आपको आराम मिलेगा। आगे बढ़िए, विल्ट डिजीज। विल्ट का मतलब होता है उकटा रोग। उकटा रोग, उकटा रोग जो होता है वो भी फंगस के द्वारा होने वाला हानिकारक बीमारी है। ये भी फफूंद से होने वाला रोग है, लेकिन विल्ट डिजीज का अटैक उस पौधे पर ज्यादा होगा जहां पर रेड रॉट शुगर केन सीक्रेट रहता है। मतलब जिस पौधे पर रेड रॉट यानी लाल सड़न रोग लगा रहता है उसमें आपका उकटा रोग लगने का जो चांसेस है वो ज्यादा रहता है, और जिसमें नहीं लगा रहता है उसमें उकटा रोग लगने का चांसेस कम रहता है। ये क्या करता है, ये जड़ पर भी अटैक करता है, पत्ती पर भी अटैक करता है, और तना पर भी अटैक करता है, तीनों पर अटैक करता है। और जड़ तना पत्ती धीरे धीरे ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। पत्ती के ऊपर पीला पीला रंग का सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। अगर ये सिम्टम आपका आपको दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं विल्ट डिजीज। इसके लिए आपको एरिटोन नामक दवा का स्प्रे करना चाहिए। एरिटोन ना जो फंगीसाइड है, उस दवा का आप खेत में स्प्रे कर सकते हैं। आगे है रेड स्ट्रिप डिजीज। ये जो रेड स्ट्रिप डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये फंगस द्वारा नहीं होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु बोलते हैं, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जिसके द्वारा ये डिजीज कास्ट करता है। और इसमें आप ये याद रखिएगा, जो बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज में जिस पौधों पर लगेगा उस पौधा का बढ़वार रुक जाएगा, पौधा बौना हो जाएगा, बौना सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि पत्ती वगैरह में अगर बैक्टीरिया का अटैक होता है तो बैक्टीरिया में पपड़ी जम जाता है, पत्ती में पूरा पपड़ी जम जाता है, टीलर्स निकलना बंद हो जाते हैं यानी कल्ले फूटना बंद हो जाते हैं, गांठ बढ़ना बंद हो जाता है, और जो तने की मोटाई होता है वो रुक जाता है, ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाता है इस बैक्टीरियल डिजीज के चलते। इसके रोकथाम के लिए हम लोग एग्रोमाइसिन जो बैक्टीरियोसाइड है, यानी कि जीवाणुनाशक दवा के नाम से जिसको हम जानते हैं, इसका 75 ग्राम लेंगे और 1 हेक्टेयर जमीन पर हम लोग इसका स्प्रे करेंगे, जिससे ये रेड स्ट्रिप डिजीज से रोकथाम मिल सकता है। अगला है स्मट डिजीज। स्मट का मतलब होता है कंडुआ रोग, इसका हिंदी होता है कंडुआ रोग। ये जो रोग है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, और ये ज्यादातर अटैक नहीं करता है, ये ज्यादा नुकसान नहीं करता है। नुकसान करने वाली जो बीमारी है वो लाल सड़न
और उकटा रोग ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो स्मट डिजीज है इसमें कंड का निर्माण होता है, इसके पत्ती के ऊपर काला काला रंग का धब्बा पड़ जाएगा, चूड़ पड़ जाएगा और 3-4 पत्ती आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। इस डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडुआ रोग। इससे आप क्या करिए, इसके लिए हम लोग इसके लिए CO 449 इस रेसिस्टेंस वैरायटी का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ये जो डिजीज है, स्मट डिजीज जो होता है, ये दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में ज्यादा कास्ट करता है और हमारे नॉर्थ इंडिया में कम कास्ट करता है। इसके लिए CO 449 वैरायटी का आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, इंसेक्ट कंट्रोल मेथड यानी गन्ने में कौन कौन सा कीट लगता है। तो गन्ने में जो सबसे पहला कीट आपको लगेगा वो है आपका टर्माइट। टर्माइट को हम लोग बोलते हैं दीमक, और दीमक के बारे में आपको मैं कल भी बताया था इससे पहले, जो गन्ने की खेती है, जब हम लोग गड्ढे में गड्ढा खोद करके जब गन्ना का प्लांटिंग करते हैं तो गन्ने में जूस पाया जाता है यानी कि मीठापन पाया जाता है, तो दीमक हो गया, चींटी हो गया, ज्यादा अटैक करते हैं गन्ने के ऊपर। उससे रोकथाम के लिए हम जो गड्ढा रहता है उसमें पहले से ही फॉलीडाल जो दवा होता है उसका भुरकाव करके रखते हैं। ये अवेलेबल नहीं है तो BHC का आप भुरकाव करके रख सकते हैं, नहीं तो नीम की पत्ती का आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे टर्माइट का अटैक कम होता है। आगे है रूट बोरर यानी कि अगला जो कीट है उसको बोलते हैं जड़ बेधक। ये जो कीट रहता है इस कीट का प्यूपी अवस्था, लार्वा के बाद जो प्यूपी अवस्था होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है। जो जमीन के नीचे जो जड़ रहता है इसका, गन्ने का जो जड़ रहता है उसको बेद देगा, अंदर के भाग में छेद करेगा और अंदर के जो कोमल भाग रहेगा उसको फीड कर देगा। अगर कोमल भाग फीड कर देगा तो जो भी हम खाद्य पदार्थ इसको देते हैं जैसे DAP यूरिया, जो खाद्य पदार्थ हम इसको देते हैं, वो जाइलम अपना वर्क करना बंद कर देगी क्योंकि यहाँ पर होल हो चुका है, तो इससे ग्रोथ होना बंद हो जाएगा और जो हमारा पौधा रहेगा वो शुरुआती अवस्था में ही मुरझा करके मर जाएगा। इसके लिए हम रेसिस्टेंस वैरायटी का प्रयोग करते हैं जैसे CO 312 299, ये सब जो वैरायटी आता है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रूट बोरर अगर आपके खेत में लगता है तो उससे इसे रोकथाम के लिए आप इमीडा क्लोरोप्रिट नामक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। अगला जो है वो है सूट एंड स्टेम बोरर। स्टेम का मतलब होता है तना छेदक, यानी ये जो कीट है तना को छेद करने वाला कीट होता है। ये गन्ने में जो स्टेम रहता है शुरुआती अवस्था में या बीच की अवस्था में उसमें क्या करेगा, होल कर देगा, लार्वी अवस्था एक कीट का नुकसान पहुंचाता है, होल कर देगा, अंदर के जूस को सक कर देगा, अंदर के जो जूस बनते रहेगा उसको पी जाएगा, अंदर के ग्रीन भाग को खा देगा जिससे खाद्य पदार्थ ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे और पौधा का वृद्धि और विकास रुक जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फॉस्फोमिडान नामक दवा का स्प्रे करेंगे। 25 या 35 EC ले लीजिएगा, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। अगला है टॉप बोरर। टॉप का मतलब होता है शीर्ष बोरर, यानी जो गन्ना की ऊपरी सिराएं होती है उन ऊपरी सिराओं को बेधने वाला कीट। ये क्या होता है, गन्ने में जो ऊपरी सिरा में जो लीव्स पाई जाती हैं जहां से ज्वाइंट रहता है गन्ने का, यहां को बेद करता है, यहां को छेदता है। अब यहां को प्यूपी अवस्था जो हल्का हल्का तितली का रूप ले लिया रहते हैं वो इंसेक्ट नुकसान पहुंचाता है, यहां को बेधेगा और अंदर में का जो भाग रहेगा जूस रहेगा उसको सक कर देगा। तो यहां से जो जहां से टीलर्स निकले हैं, लीव्स निकले हैं, उस स्थान में अगर सक कर देगा तो ऊपर का जो एरोइंग जो पुष्पग्राम वगैरह जो भाग रहता है वो सब क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, उसमें विकास होना बंद हो जाएगा, वृद्धि होना बंद हो जाएगा और इसका बढ़वार भी धीरे धीरे रुक जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉप बोरर। इसके लिए हम लोग खेत में हेप्टाक्लोर नामक दवा का स्प्रे करेंगे, और इस किट का प्यूपी अवस्था में नुकसान पहुंचाता है और निम्फ अवस्था शिशु अवस्था भी नुकसान पहुंचाता है। अगला है पायरीला। पायरीला का साइंटिफिक नेम होता है पायरीला परपिस्युला, जो गन्ना है उसका मुख्य कीट माना जाता है। ये जो कीट होता है ये कीट बहुत ही मतलब फुर्तीली स्वभाव की होती है। ये क्या करता है, पत्तियों के ऊपर ये जो होता है पत्तियों के ऊपर बैठता है और पत्तियों के रस को चूस लेता है, पी जाता है, तने के रस को पी जाता है, तो जिससे पत्ती का ना विकास हो पाता है ना तने का विकास हो पाता है, पूरी तरह से विकास पौधों का रुक जाता है। उसी कीट को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरीला। इसके लिए आप फॉलीडाल दवा का भी भुरकाव कर सकते हैं, फॉलीडाल दवा का भुरकाव कर सकते हैं। अगर फॉलीडाल आपके पास नहीं है, साइपरमेथ्रिन नामक जो दवा आता है उसका भी आप स्प्रे खेत में कर सकते हैं। इसके महक से
ही एक कीट भाग जाता है, दूर हो जाता है। तो यही था हमारा गन्ने में लगने वाले हानिकारक कीट और रोग का प्रबंधन। धन्यवाद।